अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाकमाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यकूब जावेद कमियाना। और आज के प्रोग्राम की क्या खूबसूरती है कि इस बाकमाल प्रोग्राम में मेरे दो हबीब आए हुए हैं। पहले जनाब मियां हबीबुल्लाह साहब, नाम बहुत बड़ा, जर्नलिज्म के पिलर और दिन मीडिया ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर, एनालिस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम। दूसरे मोहसिस मेहमान एयर वाइस मार्शल जनाब साजिद हबीब साहब, एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के माथे का चूमर और ईगल एकेडमी जो बनाई है एयरफोर्स ने उसके सरबराह। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इन बाकमाल हबीबों से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं मियां हबीब साहब? आप ठीक है सर? थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम बाकमाल लो। जी मियां साहब, मियाँ साहब गल मुकदी मुकाइए, ऐ दसो कि बहुत शोर हो रहा है, तलाशी तलाशी तलाशी, ऐ तलाशी किदी लै रहे ने ते की कढ़ना चाहते? मियाँ साहब असल में बात यह है कि तलाशी लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, भाई यही आप आवाम को बताइए। ये कोई ना तो आम आदमी की तलाशी है, यहाँ पाकिस्तान में जो है कभी इस किस्म के लोगों की तलाशी हुई नहीं है, इस वजह से लोगों को इत्माद ही नहीं है कि तलाशी होगी कि नहीं होगी। और बड़ी खूबसूरत बात है कि लेने वाले कौन है और देने वाले कौन है? देने वाले कौन है, असल मसला ये है, इसी पे सवालिया निशान है। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाके और सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करके, मेरा ख्याल अदलिया का हम एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फंस चुकी है। अब वो उनका फैसला जो है वो सियासत पर बहुत असरअंदाज, लेकिन मियां साहब इनको भी इंतजार करना चाहिए ना, अभी अपना कोड़ा छावे बनाना जी। नहीं बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट में चली गई एक बात लेके चले गए तो लेट देम बी पेशेंट, इंतजार करें। आप दुरुस्त कहते हैं, मेरा ख्याल है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़ा जा रहा है, तो अंदर का जो फैसला होना है तो वो तो जजेस ने करना है, लेकिन जो बाहर फैसला है वो अवाम ने करना। और इन दोनों की ख्वाहिश है, दोनों पार्टियों की ख्वाहिश है कि वो केस जीत जाए, और उसके लिए हर पेशी पर उनके जो उनके वकला सियासी वकील हैं वो एक से दूसरा बढ़कर बात कर रहा है, और वो लोगों को इतनी लंबी लंबी बातें करके और चुटकले छोड़कर लोगों को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं बुलंदोबांक दावे करके कि हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, ये दूसरा फरीक गलत है। तो ये जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में या किसी भी इंसाफ के किसी स्टेज पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती, या कभी हमने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि इस तरह से भी इंसाफ होता हुआ नज़र आता हो कि एक आप बाहर लोगों में अदालत लगा के बैठे हों और एक अदलिया में अदालत लगी हुई है। या तो आप अदलिया की अदालत पर माने को तस्लीम कर लें, उसको इत्राम करें और उसका वेट करें, या फिर क्या फैसला करते, या फिर आप बाहर जाके जंग लड़ लें, आप जलसे जुलूस करें और अपनी अपनी बात करें, जो आवाम फिर अगले इलेक्शन में जिसको सिलेक्ट करें वो ठीक है। बेहतर तलाशी तो सर वो इंतखाब नहीं, असल में कमियाना साहब आप दुरुस्त कहते हैं कि बेहतर तलाशी तो इंतखाब है, लेकिन पाकिस्तान में ना इख्तसाब नाम की चीज को नहीं, ना आवाम में इख्तसाब होता है, ना आवाम में इख्तसाब करने की अभी अभी वो शऊर आया है कि जिससे अवाम इन लोगों का इख्तसाब कर सके, और ना ही पाकिस्तान के अदारे इस काबिल हैं कि ऐसे लोगों का इख्तसाब हो सके। तो ये एक खला ज़रूर मौजूद है, जिस वजह से लोगों में जो है ना वो तजबजब है, लोग जो है वो इस हवाले से परेशान हैं, और लोग ये समझते हैं कि शायद लोग भी सर वक्त गुजार रहे हैं और चस्के ले रहे हैं, मौज मेला कर रहे हैं, 2018 का इंतजार कर रहे हैं। मियां साहब इसको मैं समाप्त इस तरह करता हूँ कि नाज़िम के लिए भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तलाशी से हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये उनसे ही तलाशी लेना चाहते हैं। तो नाज़िम उनकी तलाशी से तो क्या निकलेगा, मोटरवे निकलेगी, उनकी तलाशी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकलेंगे, और बहुत बड़ा कहीं इन्होंने उनका चगा उठा लिया तो सी पैक निकल आएगा। तो 2018 के बाद ही जो कटी कटा निकला है वही इंतजार करें, बजाय इसके कि हम दुनिया में मजाक बन जाएं, ऐसा नहीं है। आपके स्टेज पे मियां साहब के साथ मुशरफ की टीम, इमरान खान साहब के साथ मुशरफ की टीम और उमरा की टीम, अवाम बेवकूफ बन रहे हैं, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। मियां साहब हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हम एयर मार्शल साहब से दरख्वास्त करेंगे कि साजिद हबीब साहब जनरल आए, जनरल चले गए, इक्तदार की उम्र कहते हैं बहुत छोटी होती है, और किसी भी दफ्तर में वाशिंगटन में देख लें, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रेसिडेंट हाउस में तख्तियां लगी हुई हैं, आपके यहां एयर चीफ 1947 में कोई था,
आए चले गए। ये जो जनरल साहब जनरल राहील शरीफ का जाना है, इस पे जरा नाजरीन बताइए, नाजरीन को बताइए, कमेंट कीजिए, व्हाट डू यू फील, और क्या ये तारीख अच्छी लिखी जा रही है? शुक्रिया पहले तो आपके इनवाइट करने का, आपका शुक्रिया कि आपके यहाँ हम आए। बहुत शुक्रिया, आप वेलकम ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच सर। जनरल राहील के बारे में कुछ कहने से पहले मैं सर, अगर मैं ये गुजारिश करूं कि अगर नाम दो मिनट के लिए हटा दिया जाए और एक आर्मी चीफ का जाना तो इसको ले ले। मैं एक जनरल बात पहले करूंगा उसके ऊपर आने से पहले, कि मेरे ख्याल में कोई भी शख्स किसी इदारे में किसी हैसियत पे जब काम करता है, खासतौर पर अगर वो हैसियत जरा बुलंद है, ऊंचा पेडेस्टल है, तो उसके जाने के बाद लोग उसको मेरे ख्याल में दो तरीके से याद कर सकते हैं, सिर्फ शुक्र है चला गया और या अच्छा आदमी था चला गया। क्या किया कि आपके एंटी करप्शन का महकमा था वो सबसे बड़ी करप्शन का था। मैंने एंटी करप्शन का काम किया था तो दुरुस्त फरमाया आपने, उसको वो जाते हैं वो बेचारे जाते वो भी बड़ी आंटी कह सकते हैं आप। जी बिल्कुल। और अच्छा मजे की बात है मियाना साहब, जो किसी महकमे का सबसे गलीज तरीन आदमी होता है ना, उसको सजा के तौर पर कहते हैं इसको एंटी करप्शन में भेज दो, तो वो उसने कहा वहाँ जाकर, वो तो करप्शन का बाइस बनता है बजाय करप्शन। मेरे साहब बड़ी मजेदार बात है, हमारे रिपोर्टर साहबान जो अक्सर कहते हैं सर मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं क्या बेटा तुम क्या करो, क्राइम कंट्रोल रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर नहीं जी। एम आई राइट सर? यस। तो कमियाना साहब बात यह है कि हमें अदारों को बिल्ड करना पड़ेगा, अदारों को आज के दौर के मुताबिक जो है उनको हम अपग्रेड करना पड़ेगा, और जब तक हम देखें शख्सियात जो होती है ना वो एक अरसे तक होती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शख्सियात डोमिनेट करती हैं, आप देख रहे हैं कि जब वजीर आजम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, जिंदा ही रहना, उनकी औलादों ने भी सारा कुछ, हम इंसानों की पूजा शुरू कर देते हैं। कि आप जब ईवान सदर जो है वो उसके पास 58 भी होती है तो सबका रुख उस तरफ होता है, और जब जो है वो इख्तियारात जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, तो आप उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो अदारों को प्लीज़ मजबूत करें, शख्सियात जो हैं वो उन्होंने आना जाना होता है उनका। और जनरल राहील शरीफ की आप बात कर रहे थे, देखें बात है कि मैं समझता हूँ कि जिसका जो क्रेडिट है ना उसको मिलना चाहिए। जनरल राहील शरीफ ने बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया है, तो उन्होंने अपना काम किया और उनके ये फ़राइज में शामिल था, और वो मैं समझता हूँ कि मुल्क बचाने वाला जर्नैल था, इससे पहले भी लोग अपनी सर्विसेज पूरी करके चले जाते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक वीएन के तौर पर जो है ना वो सर्विसेज दी हैं, उन्होंने साबित किया है, और ये सियासतदानों के लिए भी एक मिसाल है कि आप ये सियासतदान कहते हैं जी हमें टाइम नहीं मिला, उन्होंने 3 साल के छोटा सरसा था, उस 3 साल पहले आप देख लें कि पाकिस्तान के हालात क्या थे, कि रेत जिस तरह मुट्ठी में बंद होती है ना वो गिर रही होती है, इस तरह पाकिस्तान हाथ से निकल रहा था। आज जो है बलूचिस्तान की सूरत भी देख लें, कराची की भी देख लें, पाटा की भी देख लें, आज पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान शक्ल में हमें नजर आता है, कराची की रोशनियाँ लौट रही हैं, तो सांस लेना मुश्किल हो गया। इसका मतलब है जिस बंदे ने काम करना, उन्हें जिसकी नीयत हो वो कर गुजरता है, ये नहीं इंतजार करता कि माहौल मेरे मुताबिक बने। तो असल उन्होंने एक नई प्वाम जो एयरफोर्स से शुरू किया है ईगल अकेडमी, वो क्या है ताकि कौम को बताया जा सके कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं, और फिर वो कैसे अमृतसर और बम्बई में जाकर धमाके करेंगे, इंशाल्लाह तबाही मचाएंगे, दुश्मन को दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। हमारे साथ रहिएगा नाजिम, छोटा सा वक्फा, हम पहले भी कहते हैं कहीं मत जाइएगा, जाइए लौट आइए, मिलते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजिम, हमारी गुफ्तगू चल रही थी जनाब मोहतरम साजिद हबीब साहब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, प्राइड ऑफ जनाब हबीबुल्ला साहब से, जनाब साजिद हबीब साहब से जोड़ते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक खूबसूरत बाकमाल शख्स को इस प्रोग्राम में लगाया, इस पर जरा मुख्तसर रोशनी डालिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इसके इसमें से क्या चूजे निकलेंगे और वो क्या बनेंगे। कमाल भाई, इसमें आपको बताऊं कि जैसे आर्मी का एक वेलफेयर इदारा फौजी फाउंडेशन है, इसी तरह एयरफोर्स का शाहीन फाउंडेशन, सिस्टर कंसर्न जो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं,
ये वो इदारे हैं जिनमें बेसिकली अगर फोर्सेस के से जो पब्लिक सेक्टर में कुछ, प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ हो सकता है तो वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो शाहीन फाउंडेशन और एयरफोर्स की छतरी तले ये एयर ईगल एविएशन एकेडमी लाहौर में एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल पे बनाई है। नाज़रीन जनाब एयर मार्शल साजिद दबीब साहब की बात गौर से सुन लें, अपने बच्चों को बताएं, वालदैन कंसीडर करें क्या जबरदस्त प्रोग्राम है ये, और इसमें आप अपने बच्चों को भेजने के लिए पुराने टर्मिनल पे जाके चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से मिल सकते हैं। अगला प्रोग्राम ये खुद बताएंगे। जी जनाब, तो ये बुनियादी तौर पे एयर ईगल एविएशन एकेडमी ये लाहौर पुराने टर्मिनल पे बनाई है, जिसमें एविएशन के जो कोर, जिसको आप कह सकते हैं फ्लाइंग है, वो अपॉर्चुनिटी पब्लिक के लिए, आम बच्चों के लिए कि जो फ्लाइंग सीखना चाहते हैं और एविएशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सिविल एविएशन में, एयरलाइंस में, तो उनके लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग का बंदोबस्त है। हमारे पास बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं। माफी चाहता हूँ मास्टर साहब, ये बताइए कि एक गरीब का बच्चा अफोर्ड कर सकेगा, एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकेगा, जरा ये बताइएगा क्या एक दरमियाना साहब, चलिए अच्छा मैं सॉरी दरमियाना साहब इस सवाल को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूँ। देखें एयर मार्शल साहब, हर बच्चे की ना एक ख्वाहिश होती है कि मैं हवा में उड़ूँ, मैं हवा में जहाज उड़ाऊँ, तो हर बंदा तो पायलट नहीं बन सकता। जिन लोगों की ख्वाहिश है उनके लिए क्या आपने प्लान बनाया कि वो इसको अमली जामा पहना सकते हैं आम लोग फ्लाइंग करने के लिए? देखिए मैं पहले यकूब भाई की बात का जवाब दूं। आप जब चिंची के बजाते हैं यहाँ से शदरा, तो उसका किराया कुछ और होता है, ठीक है, आप टैक्सी लेके जाएंगे, रिक्शा लेके कुछ और होगा। मैंने जनरल साहब को जब भट्टा चौक में जब भट्टा चौक पे आग लगी हुई थी और एक जनरल साहब ने जहाज पकड़ा था, वो भी रिक्शा में बैठ के चले गए थे, तो इस तरह का कोई शॉर्टकट बताइए, गरीब का बच्चा भी रिक्शा पकड़े और आपकी फ्लाइंग क्लब में पहुंच जाए। देखिये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए जो फ्लाइंग करना चाहते हैं, जो ऑप्शन ओपन है, वो तो है पाकिस्तान एयरफोर्स में ज्वाइन करना। ठीक हो, आप मेरिट के ऊपर, आप गरीब खानदान से हैं, दरमियाने तबके से हैं, हर तरह है, वंडरफुल। ये चूंकि फ्लाइंग का बिजनेस है, जहां पे देखें खर्चा होता है, एक जहाज को एक घंटा उड़ाने का जितना खर्चा है वो तो कोई भी स्टूडेंट है उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यस, इसको निस्बतन, जिसको हम कह सकते हैं कि खाते पीते लोग इसमें कर सकते हैं, बाकी अपनी अपनी हिम्मत है। साथ लोग जॉब भी करते हैं हमारे पास हैं, जो दरमियाने तबके से बच्चे आते हैं, लेकिन साथ वो अपना कोई जॉब करते हैं, अपना पेट काट के भी करवाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनना भी आसान काम नहीं है, सीएसएस करना आसान काम नहीं, लेकिन कराते हैं लोग। आप देखें जब एयरलाइन, वो उसी बच्चे की कुछ अर्से बाद एयरलाइन में सिलेक्शन हो जाती है, आप एयरलाइन में रहे, आप देखिए कि उनका उनका सैलरी स्ट्रक्चर कितना हाई होता है, वो लाखों में होता है, दुनिया बदल जाती है। तो ये एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें लड़कों लड़कियों दोनों के लिए ओपन है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप मेट्रिक के बाद भी शुरू कर सकते हैं, उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो आपको एक FAFSC की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी एकेडमी ओपन है। हम इसके अलावा, जैसे हबीब भाई ने पूछा, हम इंजीनियरिंग की तालीम भी देते हैं और ये सारी चीजें सर्टिफाइड होंगी सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से और इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से। साजिद हबीब साहब, आपसे ये गुफ्तगू जारी रहेगी और हमारी रिक्वेस्ट है कि हम किस दिन ये प्रोग्राम वहाँ भी करेंगे ताकि लोग वहाँ दुनिया में हमारे बच्चे जो हैं वो उनको शौक पैदा हो। जी जी, वरना तो सवाल पूछा जाता है बड़े को की बनोगे, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो ये एक जबरदस्त प्रोग्राम है, कीप इट अप। और आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको और आपके चीफ को, एयर चीफ को मुबारकबाद देता हूँ, नाइस सिलेक्शन और बाकमाल शख्स को, बाकमाल काम के लिए लगाया। मियां हबीब साहब, हम आपके बेहद ममनून हैं कि आज आपकी इस वक्त धड़कने तेज हैं, आपने एक लाइव प्रोग्राम करना है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप बाकमाल प्रोग्राम में शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरवाजे के, बिल्कुल चीफ जस्टिस के दरवाजे के बाहर कैमरा लगा हुआ है, मीडिया जाता है, मैं जाता हूं, आप जाते हैं, सब जा सकते हैं। सदर पाकिस्तान ब्रीफिंग देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग देते हैं, ओबामा वगैरह के खुद ब्रीफिंग देता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मैंने खड़े होकर किया प्रोग्राम, तमाम एयरपोर्ट पे क्या खुफिया चीज है कि सिविल एविएशन ने मीडिया को पाबंद किया है कि वहां आना मना है, क्या वहां कोई चीज वो चोली के पीछे क्या है, बताइए सर। देखें मसला ये है कि हम ना अपनी खामियां बचाने के लिए ना ऐसे इकदाम वो छेद कंडे इस्तेमाल करते हैं।
हालांकि मेरे नजदीक दुनिया में आप ही जाते हैं सर, ओपन है। मुख्य चूंकि मैं रिपोर्टिंग का हेड रहा हूं और एक लंबा अरसा मैंने इस फील्ड में गुजारा है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अदारे जो है ना वो अच्छे जो अदारे होते हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बड़ी स्ट्रांग होती है वो क्या करते हैं अपनी खबरें खुद लोगों को देते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा आए भी देखें हमें, लेकिन हमेशा वो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर खामियां होती हैं। भैया साहब हीरोइन पकड़ ली तो वो तो खबर लीक कर देंगे जी, हीरोइन गुजर गई अब वो तो उसके लिए कैमरा नहीं आ सकता। असल में जब तक आपसे आपकी इजाजत से और जनाब एयर मार्शल साहब की इजाजत से गुजारिश करूंगा कि जनाब सिविल एक्शन के हेड जो एयर मार्शल साहब हैं अंदर जितनी वारदातें हो रही हैं अगर आप मीडिया को इजाजत नहीं देंगे तो आपकी बदनामी है, आप मीडिया को बताएं कि अंदर। मैंने साहब मैं यही बात कर रहा था कि देखें जब तक कोई आप पे तनकीद नहीं ना करेगा तो आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते, जब तक आपको अपनी खामियों का पता नहीं चलेगा ना, तो मैं तो समझता हूँ फीडबैक जी बिल्कुल मीडिया का फीडबैक है, मीडिया के जरिए ये निशानदेही करते हैं। देखें आप अगर आप में कोई इस किस्म की आप बुराई नहीं कर रहे तो आपको डरने की क्या जरूरत है, तो अच्छी चीजें हाईलाइट होंगी, फैसिलिटीज हाईलाइट होंगी। वो आपके साजिद साहब डिप्टी डीजीसी रहे हैं, मीडिया जाता था और इस पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी लिखें, हम भी जोर दे रहे हैं इंशाल्लाह, हम अदलिया साहब बड़ी अच्छी निशानदेही की, मैं बल्कि इस पे जो साफ्टी अदारे जो हैं हम प्रेस क्लब को इन्वॉल्व करते हैं, पीएफयूजे को पीयूजे को उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, और ये कोई ज्यादादारी नहीं है कि आप जो है वहां सिर्फ इसलिए बना है कि वहां वारदातें होती हैं, वहां जो तमाम इदारे हैं अब एक को क्या नाम लेना, जितने इदारे हैं वो अच्छी चीज छोटी सी वो लीक कर देंगे, बाकी जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है उसके लिए मीडिया जा नहीं सकता। इस पे हम जबरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं और आपसे भी गुजारिश करूंगा सर कि इसको हम हाईलाइट करें और इंशाल्लाह ताकि छोटी सी बात है साजिद हबीब साहब, डकैती हुई है चौक के ऊपर फैसल टाउन पे, कौन था? मीडिया ने गवर्नमेंट की कोई फुटेज नहीं भरी, किसी जगह पे कैमरा नहीं उठाया, एक आम मीडिया ने उठाई बात और आज आपके वो बंदे डाकू पकड़े गए हैं। तो इस पे हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा मियां साहब। साजिद हबीब साहब ये बता दें कि सिविल एविएशन की बात चुकी हुई तो आपने बड़ी खामोशी अख्तियार कर ली, लगता है एयर मार्शल आसम सुलेमान शायद आपके दोस्त हों जूनियर हों, लेकिन अच्छी बात कही हमने या गलत कही है कि वहां जहां तक रेड जोन नहीं है वहां तक तो जाने दिया जाए ना, मीडिया को वहां जाने देना चाहिए। लंदन एयरपोर्ट पे आप ओपन तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, पेरिस पे ओपन खिंचवा सकते हैं, जेएफके पे खिंचवा सकते हैं, वहां आप क्यों नहीं जाने दे रहे मीडिया को, आप भी चूंकि इसका हिस्सा हैं। देखिए पहली बात है कि एयर मार्शल आसम मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरा बड़ी है और मेरे ख्याल बहुत अच्छा काम कर रहा है सिविल एविएशन में, गुड मैसेज। हाँ नहीं आई एम श्योर ही इज अप्रोचेबल, आप उनसे मिलना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मीडिया को भी चाहिए कि एक रेगुलेटेड तरीके से जाएं, कोई इंडिविजुअल ऑनस्लॉट। पता है मैंने माजरत के साथ ये भी देखा है कि एक अननोन सा जिसके पास कैमरा और वो एक फोन पकड़ा एक माइक पकड़ा हुआ है वो अपने आप को बहुत बड़ा छापामार समझ के किसी भी ऑफिस में घुस जाते हैं, तो रेगुलेट और मैनरिज्म दोनों तरफ से होना चाहिए, दुरुस्त है। और आई एम श्योर सिविल एविएशन का एक इदारा है जिसमें जो उनके पब्लिक रिलेशन वाले हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे बात करें, तो मेरा ख्याल है कि वो फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन बगैर इजाजत के कहीं भी दरअंदाजी आप अपने टीवी स्टेशन में किसी दूसरे वाले को घुसने देंगे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अगर टीवी स्टेशन के अंदर गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं आप ठीक है, क्या इज ओपन फॉर दूसरे वाले के लिए कि वो कैमरा लेके अंदर घुसे? लेकिन टीवी स्टेशन के दरवाजे के बाहर आप जाके, मैं कहता हूं कि जरूर हो टीवी स्टेशन पे या कहीं भी, सर सुन ले आपने अच्छी बात की, किसी के दफ्तर में घुसने की बात नहीं है, वो ओपन सिविल टेरिटरी है जहां रेस्ट्रिक्टेड है वहां मत जाएं। कमियाना साहब इसका एक और हल भी है कि देखें ये एक ना मैं समझता हूँ कि चूंकि एयरपोर्ट पे तमाम अहम शख्सियात का आना जाना लगा रहता है तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा जर्नलिस्टों के लिए होता है कि हम वहां लोगों से बात कर सके, अवेलेबिलिटी होती है। तो अगर वहां मेरा ख्याल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रेस के लिए एक डेस्क बना दिया गया और वहां माइक लगा के वहां आप बात करते हैं आगे जा सकते हैं, तो एयरपोर्ट के बाहर बेशक आप बाहर जो काउंटर है वहां आप एक डेस्क लगा दें और वहां माइक लगा के लोग जो है वहां बात कर सके, तो लेकिन बिल्कुल पाबंदी लगा देना ये तो मेरा ख्याल दुरुस्त बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको दोनों साइड पे बाहमी गुफ्तगू के साथ ये चीज होनी चाहिए। नहीं पहले था जी, इस पे आपने अच्छा मशवरा दिया, मियां साहब ने बहुत ही रास्ता ही बड़ा जबरदस्त दिखा दिया है, हम इसको टेकअप करेंगे पीएफयू पे एलपीसी और सब हम दोस्त मिलकर
इस पे अच्छाई के लिए कोशिश करेंगे। हमारी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं कि आसम सलमान साहब के कमरे में घुस जाएं, हम जब जाएंगे वहां तो उनसे पूछ के इंटरव्यू करने जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मियां साहब ये बताएं, आपने भी सुना होगा, आप भी सुन रहे सर, कि हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो दुनिया की महारानी एयरलाइन थी, एक इम्पोर्टेड जर्मन CEO लेके आ गए हैं और एक प्रीमियर क्लास चलाई है जिसकी बड़ी लोगों ने तारीफ की है। मुझे लंदन से मेरे डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं नदीम साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वंडरफुल प्रीमियर। इसका मतलब है कि हम अगर कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक प्रीमियर क्लास को लेके हम सारी PIA इसी चक्कर में लगी हुई है, वंडरफुल। कंग्रेचुलेशन टू सैगल साहब, कंग्रेचुलेशन टू तमाम टीम, उमरा बहुत अच्छा गया है। मुझे सिर्फ ये बताएं, वो पंजाबी कहते हैं खुशियां कर पुत्र है चुम चुम मार सटिया, इदारे इस PIA के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, प्रीमियर क्लास से आगे कैसे निकला जाए सर? असल में मेरा साहब बात यह है कि नीयत की बात होती है, कोई काम किस हद का राज जो है वो उन्होंने राज कर रहे हैं, वो उन्होंने एयरलाइनें बनाई और सारे ममालक हमसे आगे निकल गए और PIA आज रींक रही है। उसकी दो तीन वजह है, एक तो ऊपर बैठने वाले ने भी लूटा, नीचे जो मुलाजम, माफ कीजिएगा जी, नीचे जो मुलाजम थे ना वो भी ये समझता था मैं PIA का दामाद हो गया हूँ, मैंने काम नहीं करना। तो ये काम ना करने की जो एक एनवायरनमेंट होती है ना, वो अदारों का बेड़ा गर्क कर देता है, वो अदारों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो असल में हमेशा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कौमों को बनाने वाले और कौमों का बेड़ा गर्क करने वाले लीडरशिप होती है, तो आपने PIA किन के हवाले किया है, उसको किस तरह चला रहे हैं, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल है कि कोई अगर नेक नीयत आदमी को आज भी आप बैठा दें, बड़ा पोटेंशियल है पूरी दुनिया में और खास करके इस खित्ते में, तो जो है वो एविएशन का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मार्केट है। मियां साहब और साजिद हबीब साहब मुझे सिंपल ये बता दें, मैंने प्लस 60 हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर चीफ पाकिस्तान से बाहर से मंगा लिया गया हो, या मीडिया में, या हमारे आर्मी चीफ को बाहर से आ गया होगा। एक इन इदारों के ऊपर क्या उस्ताद पड़ती है कि हमें हॉकी के लिए बंदा नहीं मिलता, हमें क्रिकेट के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, और हमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जहां प्रोफेशनल भरे पड़े हैं। देखिए एयरफोर्स से भी तो, एयरफोर्स ने जो ही पता चला कि साजिद हबीब साहब इज ऑन ट्रैक ऑफ वे टू होम, उन्होंने फोन करके खुद कहा कि ये चलाइए। Why not in PIA? Why not in hockey? Why not in cricket? ये बताइए सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं चाहूंगा कि साजिद हबीब साहब भी इस पर बात करें। देखिए मेरा ख्याल है कि हम जो है ना अपने आप पर इतमाद नहीं है, हम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम है, हमारी सोचें जो है ना, हमारी सोचें जो है ना वो बड़ी महदूद है, हम अपने आप पर इतमाद नहीं करते। और फिर ये भी एक फिनोमेना है पाकिस्तान में, खास करके हमारे लोगों में, तो हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी की सुप्रमेसी, जो अपने अपने लोगों की सुप्रमेसी बर्दाश्त नहीं करते, बाहर से ला के अपने ऊपर बैठा लेंगे और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर जवेद कमियाना साहब वहां मौजूद होंगे तो हम कहो यार है, तो कल साढ़े नाल फिरदा सी ते आज ये साडा अफसर बन गया। साजिद हबीब साहब मेरी बात जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन दानियाल गिलानी साहब अभी, तो उनको मैंने ये कहा, कहने जी आपको हम CEO का इंटरव्यू करवा देते हैं, मैंने आजम सैगल साहब का कहा, मैंने कहा यार मैं तो उनके उस सेटअप के खिलाफ कि व्हाई नॉट, मैं ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, मियां हबीब ज्यादा प्रोफेशनल है, साजिद हबीब साहब ज्यादा प्रोफेशनल है, तो उस वो जाहिर उनका तो मुलाजमत का मामला था, एग्री तो किया। हम इदारों में अपने पौधे क्यों नहीं जवान करते, प्लांट क्यों नहीं करते पाकिस्तान तरक्की? अगर साजिद हबीब साहब एक खूबसूरत स्कूल सरगोधा PF स्कूल चला सकते हैं, जहाज F-16 उड़ा सकते हैं, बाहर की फोर्सेस को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, मियां हबीब साहब जाके बाहर सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, देन मियां साहब आपको ये शेयर करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को ऊपर लाना चाहिए, हमें इंटेलिजेंट अपना जो टैलेंट है उनको, वो धक्के बाहर खा रहे असी हिटलर दे प्रति जनरल आ रहे हैं। अच्छा नहीं कमियाना साहब, इसमें एक और बात है, आप सीखने के लिए तो लोगों को बाहर से मंगवा लें, टीचर मंगवा लें आप, मतलब आपने, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो किसी उसके माहिर को बाहर से बुलवा के आप अपने बच्चों को ट्रेंड करवा लें, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा लें, नई चीज इंट्रोड्यूस करवा लें, लेकिन कम अज कम हमें अपने आप पर इतमाद करना पड़ेगा। जब तक हम अपने बच्चों पर इतमाद करके उनको आगे नहीं लेके आएंगे, उतनी देर तक किसी बगाने दियां विसाखियां देते तो ज्यादा देर तक ये बताएं कि क्रिकेट भी, हाँ हमने छोटे हुए उसी स्टेडियम साहिवाल के स्टेडियम में, मैंने सरदार जी को शॉट देखी जब मैं छोटा था, वो स्टेडियम पार थी, ठीक है, उसी स्टेडियम में अयूब खान ने एड्रेस किया था, इज इट राइट? बिल्कुल बिल्कुल।
क्रिकेट के लिए भी हम इंपोर्ट करें यार, यारों किधर जाएं और पता चलता है कि 5 लाख दे वकील ने भी फाइल वाता है, 5 हजार वाले ने भी फाइल वाता है, वो भी हार गए थे, क्या जुर्म है सर बताइए मियां हबीब साहब। शुरू में बात की कि हम बाहर से इम्पोर्ट करने की बात है, तो ऑन अ लाइट नोट बाहर से वजीर आजम तो हम इम्पोर्ट करते रहे। नहीं मैंने तो पुलवामा में कह दिया, भले शेरवानी में सही, नहीं सर मैंने तो कह दिया कि हम पता नहीं हमें हम एक्सपोर्ट कब करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी भी इदारे को चलाने के लिए सबसे पहले तो ऑनेस्टली किसी कॉम्पिटेंट बंदे का इंतखाब, और दूसरी चीज उसको पूरी फ्रीडम, अगर आपने बंदा सिलेक्ट किया है तो उसको पूरी फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड वर्क होनी चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस। कि सिलेक्ट किया है से पहले सिलेक्ट करने वाले देखने पड़ेंगे सर। सर मैं देखें, आप कहीं ना कहीं तो आपने एक लगाना है, आप अगर आप बात ऊपर जाती रहेगी कि कौन सिलेक्ट करने वाला है, सिलेक्ट तो बहरहाल हुकूमत ने करना है। अगर नेक नीयति से कॉम्पिटेंट बंदा सिलेक्ट किया गया है उसके साथ जरूरी है कि उसको पूरी फ्रीडम ऑफ वर्क बगैर इंटरफेरेंस के दी जाए। मामला वहां खराब होते हैं जब हम अपनी मर्जी का बंदा भी लगा देते हैं, फिर उसको इंटरफेयर भी करते रहते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, महकमा जाती इंटरफेरेंस होगी। मैं कम से कम मैंने देखा है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। अगर आपने मुझे ट्रस्ट किया है कि आपने ये एक सिस्टम या एक इदारा चलाना है, तो पहले तो मुझे आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए, पूरी सपोर्ट। दूसरा मुझे फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस, फिर कामयाबी और नाकामी दोनों मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। हबीब साहब जनाब बहुत स्वीट हबीब्स, बेहद ममनून हूँ, प्रोग्राम बाकमाल लोग में बाकमाल लोग आए, ये गुफ्तगू ये सिलसिला कलाम ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। हम इसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि उसी सीईओ से जो इम्पोर्टेड हैं उनसे पूछेंगे 777 का क्या हाल है, अगले जहाज़ों का क्या हाल है, अहमद सईद साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मियाँ साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन आपने सुना दो ब्रेन मीडिया के, एफिल टावर एयरफोर्स की शान जनाब साजिद हबीब साहब, मियाँ हबीबुल्ला साहब, आज खसूसी दरख्वास्त बागमाल लोग की टीम की खसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए, हम उनके बेहद ममनून हैं। आपने हमें जो फीडबैक दिया हम आपके बेहद ममनून हैं, खसूसन लंदन न्यूयॉर्क और पेरिस से जो बागमाल लोग और एविएशन के लोगों ने पसंद किया, हम उनके लिए वी डोंट फाइंड एनी वर्ड ऑफ थैंक्स। और स्पेशल थैंक टू ऑनरेबल एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब और उनकी बेगम साहबा का, उनके मुलाजमों का, जिन्होंने हमारे लिए बेहतरीन चाय का इंतजाम किया, मोहब्बत से हमें होस्ट किया, ये घर बस्तर है। और मियाँ हबीब साहब के तो स्पेशली मशहूर हैं कि उन्होंने अपने लाइव प्रोग्राम में अब दौड़ के जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, नक्शे पे लिखा हुआ था हु लिव्स इफ इट डज नॉट लिव, दुश्मनों का मुंह काला, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस दुश्मन के ऊपर चपने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। आखिर में नए ख्वाहिशात के साथ बेस्ट ऑफ लक जनरल राहील शरीफ साहब, अगले प्रोग्राम तक रूप जावेद के मैनों को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।